मैं एक ही बात कहूंगा, बार बार यही कहूंगा कि कमलनाथ जी को बगैर देरी के तत्काल इस्तीफा देना चाहिए। आखिरकार सरकार में आने के बावजूद भी कमलनाथ जी को और कांग्रेस को ये फर्जी ऑडियो बनवाने की आवश्यकता पड़ती है? केवल एक आप फेक ऑडियो जारी कर देंगे किन्हीं दो लोगों के बीच का, उसमें हुई बातचीत के आधार पर आप कहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी ये कर रही है। आप समस्या का समाधान करिए ना। मंत्रालय आपके हाथ में है, मॉनिटरिंग का पूरा सिस्टम आपके हाथ में है, सरकार में आप बैठे हैं। आप केवल कोई फेक ऑडियो दिखाकर और लोगों का ध्यान बटाने की कोशिश करते हो। आप समस्या का समाधान करिए, बिजली अनवरत मिले, आप ये करिए ना। लेकिन दुर्भाग्य है कि कमलनाथ जी के नेतृत्व वाली ये सरकार केवल और केवल जनता का ध्यान बटाने की कोशिश कर रही है, फेक ऑडियो और वीडियो जारी कर रही है जिनमें किन्हीं दो अधिकारियों की बातचीत का ये दावा करते हैं कि ये है। आप क्या कर रहे हो? आप तत्काल कार्रवाई करो और सारे सिस्टम को ठीक करो। और अगर नहीं कर सकते तो कमलनाथ जी, हमारा फिर कहना है कि आप तत्काल इस्तीफा दीजिए।